राजस्थान के अंदर 7 सीटों के उपचुनाव थे और इस 7 सीटों में सलुम्बर विधानसभा में जो गड़बड़ियां हुई है और जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का जो कोशिश किया गया है, आपकी जानकारी में बता दें कि वहां जितेश भाई कटारा 12 दिवसीय पार्टी का जो प्रत्याशी था एक तरफा बहुमत से जीत रहा था, लेकिन जब ये 13वां-14वां जो राउंड आया इसके बाद से उन्होंने काफी डिले किया और निर्वाचन आयोग का जो एक वेबसाइट है उस वेबसाइट पे भी राउंड वाइज जो वोट डालना था बारी बारी से नहीं डाला। एक आपको जानकर आश्चर्यचकित होगा कि एक राउंड में निर्वाचन आयोग संशोधन करके दो बार डाल रहा है, एक बार अलग आंकड़ा बता रहा है, एक बार अलग आंकड़ा बता रहा है। तो जिस तरह से ये जो लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया गया है, हम निर्वाचन आयोग को पूरा अंगुली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हमने जो प्रोसेस है रिकाउंटिंग का, उस रिकाउंटिंग के लिए हमने अप्लाई किया हमारे प्रत्याशी ने, लेकिन जबरदस्ती वहां पर बीजेपी के सारे लोग घुसे और घुस के रिटर्निंग अधिकारी को पता नहीं क्या पाठ पढ़ाया और जबरदस्ती प्रमाण पत्र लेने का काम किया और हमारे जो प्रत्याशी है उसके साथ धक्का मुक्की अंदर करने का काम। रिकॉर्डिंग जो उस दौरान रिकॉर्डिंग की देख सकते हैं कि उस रूम में कितने लोग इतनी भीड़ कैसे गई अंदर, ये एक संशय का विषय है। अगर वो गलत नहीं होते तो रिकाउंटिंग का जो ऑप्शन दिया था तो रिकाउंटिंग कराते। आज दौसा के अंदर बीजेपी हार रही है, वहां पर रिकाउंटिंग एक्सेप्ट किया, वहां पर 2 से 2500 का डिफरेंस रह रहा है वहां एक्सेप्ट किया और यहाँ पर 1000 वोट का डिफरेंस रह रहा है और यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया। अगर गलत नहीं होते, अगर गड़बड़ियां नहीं की होती तो रिकाउंटिंग एक्सेप्ट कर लेते। हमारे जो गणक बैठे थे, हमारे जो प्रत्याशी थे, उनका कहना है कि लास्ट एक दो राउंड के अंदर जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी थे उनका जो वोट था उस वोट को एज ए बीजेपी का जो उम्मीदवार था उसमें जोड़ने का काम किया कुछ कुछ हिस्सों में और इससे वो एक तरफा मतलब लास्ट वाला जो राउंड था उसमें गड़बड़ी किया गया 2 से 3 राउंडों में। तो मीडिया के साथियों ने भी जिस तरह से वहां देखना चाहिए कि कितने लोग अंदर घुसे बीजेपी के एक साथ, उन्होंने क्या किया, इतनी भीड़ क्यों घुसी, सारे पदाधिकारी क्यों घुसे, रिकाउंटिंग अप्लाई किया था, अप्लाई एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ, ये सारा का सारा कहीं ना कहीं मतलब क्लियर होता है कि गड़बड़ी हुआ है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन भी करेंगे इस बात को लेकर और कोर्ट में भी जाएंगे और ये जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, सलुम्बर की जनता, आम जनता ने, जो आवाम ने जिस तरह से अपना मत दिया था, उस मत का जिस तरह से ड्रामा करके गड़बड़ी करके जनता की भावना के विरुद्ध किसी को जिताने का जो काम किया है, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं और ये हमारे लोग हमारे देश के लिए एक घातक व्यवस्था है। सारे साथियों से अनुरोध है कि हमें हमारी इस लड़ाई में आप सभी साथ दें। धन्यवाद। जोहार।